हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, पिछली वीडियोस में मैंने आप लोगों को पूर्वी दक्कन पठार के अंतर्गत कोडरमा पठार और हजारीबाग पठार के बारे में बताया था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, पूर्वी दक्कन पठार में आज हम पढ़ेंगे रांची पठार के बारे में। तो इसमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, वो सब सारी चीज़ों को मैं अभी बताऊंगा। तो जो चैनल में नए आए वो पिछली वीडियो को जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर जितने भी पठार के बारे में बताया गया है इंडियन ज्योग्राफी से, वो सब सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग रांची पठार के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, रांची पठार जो है वह छोटा नागपुर पठार का ही भाग है, ये आप लोगों को पता है। तो यह मैंने आप लोगों को बताया था कि जो दामोदर नदी होती है वह छोटा नागपुर पठार को दो हिस्सों में बांटती है। ऊपर वाला जो होता है वो होता है हमारा हजारीबाग पठार, और नीचे वाला जो होता है वो होता है हमारा रांची का पठार। ये मैंने आप लोगों को बताया था। दोस्तों, यहाँ पर है, चलिए देखते हैं। तो रांची पठार पर ग्रेनाइट और नीस की चट्टाने पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो है ग्रेनाइट की चट्टाने यानी कि ग्रेनाइट के पत्थर मिलेंगे, और साथ साथ आपको यहाँ पर नीस की जो चट्टाने होंगी वो भी यहाँ पे अधिकतम मात्रा में पाई जाएंगी। तो ये रांची पठार में पाई जाती हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि यह पठार प्राय समतल ही है। रांची का पठार समप्राय मैदान का उदाहरण है। दोस्तों, रांची का पठार जो है वो बहुत दूर तक, एकदम बहुत ज़्यादा दूर तक ये समान ही है यानी कि समतल है, और इसी को हम लोग समप्राय मैदान का उदाहरण भी कहते हैं, रांची का पठार को। ये आप जहाँ तक आपका नज़र जाएगा वहाँ तक आपको ये समान ही दिखेगा, ये रांची का पठार। तो इसी कारण से यह समतल ही है यह पठार, और इसको समप्राय मैदान का उदाहरण कहते हैं। और दोस्तों, झारखंड की जो राजधानी है रांची, झारखंड की राजधानी जो है रांची, वह इसी समतल मैदान पर ही स्थित है, यह समतल मैदान पर ही है। तो ये भी आपको याद रखना है कि झारखंड की राजधानी रांची समतल मैदान पर ही स्थित है। रांची पठार जलप्रपातों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, ये जो है रांची पठार, यह जलप्रपातों के लिए फेमस है। आपको ये जो समतल मैदान दिख रहा है, यहाँ पर आपको समतल मैदान दिखेंगे, साथ साथ कहीं कहीं पर आप लोगों को पहाड़ पर्वत तो देखने मिलेंगे। तो वहीं से यहाँ पर जलप्रपातों का निर्माण होता है, क्योंकि नदियाँ जो है यहाँ पर इन्हीं पहाड़ पर्वतों से होकर के गिर करके यहाँ पर जलप्रपातों का निर्माण करती है। तो इसी कारण से ये जो रांची का पठार है वह जलप्रपातों के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है जलप्रपात वह है हमारा हुंडरू फॉल। हुंडरू फॉल जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है। इसके बाद में अगर आप जानेंगे तो दशम फॉल है, एक दशम फॉल, यह भी लगभग 40 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये जो हुंडरू फॉल है वह है हमारा स्वर्णरेखा नदी पर है, और ये जो दशम फॉल है वह है कांची नदी पर। यह भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर जोन्हा फॉल देखने मिलेगा, जोन्हा फॉल, साथ ही साथ आपको पंचघाघ भी मिलेगा। मतलब यहाँ पर आपको इतने सारे वाटरफॉल्स मिल जाएंगे देखने के लिए। तो इसी कारण से रांची को कहा जाता है सिटी ऑफ वाटरफॉल्स। तो ये आपको याद रखना है। ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि सिटी ऑफ वाटरफॉल्स किसे कहते हैं। तो सिटी ऑफ वाटरफॉल्स यह है हमारा रांची। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हुंडरू फॉल जो है वह स्वर्णरेखा नदी पर है जिसकी ऊंचाई है 75 मीटर, साथ साथ दशम फॉल है जो कांच नदी पर है, यह है 40 मीटर। जोन्हा फॉल जो है इसकी जो ऊंचाई हुआ है 26 मीटर ऊंची है, और पंचघाघ जो है ये भी आपको यहीं पर देखने मिलेंगे। इसके अलावा और भी सारे यहाँ पे छोटे छोटे वाटरफॉल्स हैं, लेकिन ये सब सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध वाटरफॉल है। इसके बाद हम देखते हैं कि पश्चिमी रांची पठार को पाट क्षेत्र या पाट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये जो है रांची का पठार जो है, मान लेते हैं कि यह रांची का पठार है, तो रांची का पठार जो पश्चिमी वाला जो भाग है, ये वाला भाग, उसी को हम लोग कहते हैं पाट क्षेत्र। इसी को हम लोग कहते हैं पाट क्षेत्र। और इस पाट क्षेत्र के अंतर्गत आपको देखने मिल जाएगा, ये पाट क्षेत्र के अंतर्गत में आपको मिलेगा देखने के लिए नेतरहाट, नेतरहाट पाट क्षेत्र, खमीरा पाट क्षेत्र, जमीरा पाट क्षेत्र और सुरगुजा पाट क्षेत्र। और ये जो सुरगुजा है वह छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो सुरगुजा पाट है वह छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा छोटा नागपुर पठार है उसके
पश्चिमी वाला जो पठार होता है उसका जो भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं पाट क्षेत्र। और पाट क्षेत्र के अंतर्गत में आपको नेतरहाट पाट, खमेरा पाट, जमेरा पाट और साथ साथ में सुरगुजा पाट देखने मिल जाएगा। और ये जो सुरगुजा है वह हमारा छत्तीसगढ़ राज्य में पाया जाता है, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो यह है हमारा रांची पठार के बारे में जानकारी। यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो बताया वह इम्पोर्टेंट है, ये जो है मुंडरू फॉल वो इम्पोर्टेंट है, साथ साथ में सिटी ऑफ वाटरफॉल्स ये इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना है। अब हम बात करते हैं इसी में छोटानागपुर पठार के बारे में, यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ के लिए यह फेमस है, इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों छोटानागपुर पठार जो है वह दामोदर नदी के द्वारा दो भागों में विभाजित किया जाता है, मैंने आप लोगों को बता दिया। तो दामोदर नदी जो है वह छोटानागपुर पठार की सबसे बड़ी नदी है, और दूसरी सबसे बड़ी नदी की बात करते हैं तो वह है हमारा स्वर्णरेखा। तो स्वर्णरेखा दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और पहले नंबर पर जो है नदी वह है दामोदर नदी। और दामोदर नदी जो है उसके बाद में उसकी जो सहायक नदियाँ हैं वह है बराकर है, मयूराक्षी है, ये नदी है उनकी सहायक नदियाँ, और साथ साथ इस क्षेत्र में आपको कांची नदी, खरकई नदी और अन्य नदियाँ भी आपको मिल जाएगी देखने के लिए। तो ये छोटानागपुर पठार पर बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। इसके बाद है यहाँ पर प्रमुख शहर की बात करते हैं, तो प्रमुख शहर है धनबाद, बोकारो, रांची, कर्णपुरा, जमशेदपुर, झरिया, रानीगंज, बर्नपुर, आसनसोल आदि। तो ये जो है शहर वे लोग इस दामोदर घाटी क्षेत्र में या तो फिर दामोदर अब हम बात करते हैं छोटानागपुर पठार के बारे में, यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ के लिए फेमस है, इस चीज़ को भी यहाँ पर समझते हैं। तो दोस्तों छोटानागपुर पठार को जो है दामोदर नदी दो भागों में बांटती है, मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। तो इस छोटानागपुर पठार की जो सबसे बड़ी नदी है वह है दामोदर नदी, दूसरी सबसे बड़ी नदी की बात करते हैं तो वह है हमारा स्वर्णरेखा। तो स्वर्णरेखा दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और पहले नंबर पर यानी सबसे बड़ी नदी जो है वह है दामोदर नदी। इसके अलावा मैं आपको इस क्षेत्र में यानी कि छोटानागपुर क्षेत्र में, छोटानागपुर के पठार में आपको कांची नदी, खरकई नदी, पराकर नदी, मयूराक्षी नदी, ये सब सारी नदियाँ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रमुख शहर की अगर बात करते हैं तो वह है धनबाद, बोकारो, रांची, कर्णपुरा, जमशेदपुर, झरिया, रानीगंज, बर्नपुर, आसनसोल। तो ये सब यहाँ के यानी कि छोटानागपुर पठार के प्रमुख शहर हैं, ये सब बहुत ही ज़्यादा फेमस शहर भी हैं यहाँ के। तो यहाँ पर है सबसे बड़ी नदी जो है वो तो आपको याद रखना ही है, जो सबसे बड़ी नदी है वो है दामोदर, सेकंड नंबर में जो है वो स्वर्णरेखा नदी है, इसके अलावा आपको बराकर, मयूराक्षी, कांची नदी, खरगई आदि मिल जाएगी, और प्रमुख शहर में है आपको ये नाम याद रख लेना है। दोस्तों छोटानागपुर पठार खनिजों की दृष्टि से काफ़ी धनी है, तो ये जो छोटानागपुर का पठार है वह खनिज संपदाओं से परिपूर्ण है, यानी कि काफ़ी धनी क्षेत्र है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो है दामोदर भ्रंश घाटी में ही दामोदर नदी बहती है, और दामोदर भ्रंश घाटी क्षेत्र पूरा कोयला के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। तो इसी कारण से इन्हीं दामोदर नदी घाटी के क्षेत्र में ये जो बड़े बड़े शहर हैं वे सब बस गए हैं। तो ये आपको याद रखना है कि छोटानागपुर पठार पर खनिजों की दृष्टि से यह जो है काफ़ी धनी है, और इसी जो दामोदर भ्रंश घाटी क्षेत्र है उसी को हम लोग कहते हैं रूर प्रदेश, इसी कहते हैं हम लोग रूर प्रदेश। तो ये आपको याद रखना है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूर प्रदेश भारत का कौन है, तो वो आप लोग इसका उत्तर करेंगे छोटानागपुर पठार, छोटानागपुर पठार। और इसमें भी अगर बात करते हैं तो यह है हमारा दामोदर भ्रंश घाटी क्षेत्र, दामोदर भ्रंश घाटी क्षेत्र। तो दोस्तों ये जो है दामोदर नदी वह अपने रास्तों पर घाटी निर्माण करती है भ्रंश घाटी की, यानी कि दामोदर नदी एकदम नीचे से बहती है और साइड साइड में जो है वह पठार का ऊपरी वाला भाग होता है। तो इसी कारण से ये दामोदर घाटी, दामोदर भ्रंश घाटी क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। तो रूर प्रदेश आपको कहना है छोटानागपुर पठार, और उसमें भी दामोदर भ्रंश घाटी क्षेत्र है। अगर हम बात करते हैं रूर प्रदेश, तो रूर प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि दामोदर भ्रंश घाटी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कोयले की मात्रा पाई जाती है, यानी कि कोयले का जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा यहाँ पर संचित हुआ है। यानी कि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो दामोदर भ्रंश घाटी क्षेत्र पूरी तरीके से कोयले से ही परिपूर्ण है, तो इसी कारण से इसको रूर प्रदेश कहते हैं। और रूर प्रदेश जर्मनी का एक क्षेत्र है, जर्मनी में एक क्षेत्र है रूर प्रदेश, और वहाँ पर रूर नदी और राइन नदी के बीच में जो क्षेत्र है वह भी कोयला के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो कोयला क्षेत्र जो है पूरे विश्व के लिए प्रसिद्ध है रूर प्रदेश, तो उसी प्रकार से छोटानागपुर पठार जो है वो दामोदर भ्रंश घाटी क्षेत्र में ही पूरा कोयले से
दबा हुआ यानी कोयला उसके नीचे में पूरा परिपूर्ण से फैला हुआ है, तो इसी कारण से छोटा नागपुर पठार यानी कि दामोदर बनासकांठा क्षेत्र को रूर प्रदेश ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों दामोदर बनास घाटी क्षेत्र कोयले के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। रूर प्रदेश कौन है भारत का, तो वह है छोटा नागपुर पठार या दामोदर बनास घाटी क्षेत्र। छोटा नागपुर पठार पर कोयला, बॉक्साइट, अभ्रक, लोहा, क्रोमाइट, टंगस्टन, चूना पत्थर आदि पाए जाते हैं। तो ये जो है पूरा छोटा नागपुर पठार, वहाँ पर आपको इतने सारे जो है खनिज संपदा मिल जाएगी, कोयला मिलेगा, बॉक्साइट मिलेगा, अभ्रक, लोहा, क्रोमाइट, टंगस्टन, चूना पत्थर आदि सभी प्रकार के जो है अयस्क और खनिज यहाँ पर इस छोटा नागपुर पठार में मिल जाएंगे, क्योंकि यह जो है रूर प्रदेश तो है ही, साथ ही साथ अन्य जो है अयस्क जो है खनिज जो है उनसे भी यह परिपूर्ण रूप से भरा हुआ है छोटा नागपुर पठार। दोस्तों यहाँ पर हम एक एक करके समझते हैं थोड़ा सा। तो ये जो है हमारा धनबाद, धनबाद जो है यह है हमारा भारत की कोयला राजधानी, भारत की कोयला राजधानी, ये आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो भारत की कोयला राजधानी कौन है, कोल कैपिटल जो है वह है धनबाद। और मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था जो कोडरमा जो है वो किस लिए प्रसिद्ध था, तो भारत की वह अभ्रक राजधानी थी, भारत की वह अभ्रक राजधानी थी, वह भी मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके अलावा में जो है यहाँ पर झरिया जो है, रानीगंज, ये दोनों कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, ये दोनों कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, साथ साथ आपको ये दोनों याद रखना ही है। इसके अलावा में अगर जमशेदपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर लोह अयस्क का कारखाना है जिसको हम लोग टाटा स्टील या टिस्को के नाम से जानते हैं। तो जमशेदपुर में जो है, जमशेदपुर जो है वहीं पर भारत का सबसे पहला इस्पात कारखाना लगा था, टाटा स्टील, टाटा स्टील जो कि 1907 यानी कि 1907 में लगा था, तो ये इसी कारण से प्रसिद्ध, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर भारत की कोयला राजधानी धनबाद, अभ्रक राजधानी कोडरमा और जमशेदपुर में टाटा स्टील है। इसके अलावा में आपको रानीगंज, झरिया, बर्नपुर, आसनसोल, इस सब में आपको कोयला देखने मिल जाएगा, यानी कि कोयला क्षेत्र के लिए ये प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आप लोगों को रांची पठार और साथ ही साथ छोटा नागपुर पठार के बारे में यहाँ पर जितने भी जानकारी थे, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है, वो सब सारी जानकारियाँ मैंने आप लोगों को बता दी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर जरूर से जरूर कीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पूर्वी दक्कन पठार के अंतर्गत दंडकारण्य बस्तर का पठार, वो भी इम्पोर्टेंट है, वहाँ से भी हम लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल के साथ में बने रहें, तो यहाँ पर जितनी भी जानकारी है वो आप लोग याद कर लेंगे और समझ लेंगे। थैंक यू दोस्तों।